हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL या फिर NCVAP या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरनेशनल रिलेशन का इंट्रोडक्शन उन सभी को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ एक ऐसी वीडियो सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमने आप सभी के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताएं, एक एक करके आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएगी। वैसे तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड है पर हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी आप सभी के लिए एग्ज़ाम में, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके एग्ज़ाम में उनको देखने को मिलेंगे, हम उन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध की उत्पत्ति क्या, कैसे हुई, क्या है शीत युद्ध, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है और फिर शीत युद्ध की विभिन्न परिभाषाएं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियां रह गई थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। इन दोनों जो महाशक्तियां हैं इनके बीच में 40 सालों तक या फिर लगभग हम 4 दशक हैं, एक ही बात है, 4 दशकों तक दोनों महाशक्तियों के बीच में जो आपसी रिलेशन दर्शाने के लिए जिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम उनको शीत युद्ध कहते हैं। इन दशकों में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव, राजनीतिक दुष्प्रचार, एक दूसरे की आलोचना और एक दूसरे के प्रति जो है हथियारों की होड़, अगर उसने एक हथियार बनाया तो मैं भी एक हथियार बनाऊंगा, अगर वो मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो मैं भी उससे आगे निकलने की कोशिश करूंगा, ये जो एक प्रतिस्पर्धा थी इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। ये एक नए युग की शुरुआत थी, इसमें अगर हम देखें तो सशस्त्र का इस्तेमाल तो हो रहा था परंतु फिर भी शांति थी, दोनों महाशक्ति के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति तो थी परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। तो हम देखें शीत युद्ध जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनकर अमेरिका और सोवियत संघ जो है उन दोनों के संबंधों को दर्शाता है। शीत युद्ध की अगर हम व्याख्या करें तो कई तरीके से हम शीत युद्ध को समझ सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो शीत युद्ध था वो एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो अलग अलग जीवन पद्धतियां थी, एक तरफ उदारवाद अमेरिका का और दूसरी तरफ देखें हम तो सर्वाधिकार समाजवाद या फिर साम्यवाद था। तो दोनों तरफ विचारधाराओं की लड़ाई थी, एक पूंजीवाद को अच्छा मानता था तो एक समाजवाद को अच्छा मानता था। तो दोनों के बीच में कौन सी महाशक्ति सर्वोच्च स्तर पर है ये वो शक्ति के रूप में था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यथार्थवाद का सिद्धांत अगर हम देखें तो यथार्थवादी सिद्धांत जो है हंस जे मार्गेन्थाउ कौन थे, ये एक यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्री थे। यथार्थवाद का क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के लिए कुछ लिंक्स दूंगा, जो प्लेलिस्ट के लिंक है आप वहां से उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो जो आपके एग्जाम में कल आने वाले। शीत युद्ध जो है वो क्या था कि वो एक शक्ति, यथार्थवाद के अनुसार ही नहीं हंस जय मार्गेन ताऊ जी के अनुसार शीत युद्ध क्या है कि ये शक्ति संतुलन का ही एक सिद्धांत है या शक्ति का संतुलन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति क्या करती थी कि राजनीतिक नियंत्रण लेना चाहती थी और राज्यों के बीच में वो अपनी विचारधाराओं का लगातार क्या कर रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महाशक्तियाँ जो है उनके साथ में शामिल हो जाए। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध की कुछ परिभाषाओं के बारे में, ये वो डेफिनेशंस, ये वो परिभाषाएं हैं जो आप सभी को ज़रूर लिखनी है। तो शीत युद्ध की कई परिभाषाएं, जैसे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे, तो इन्होंने क्या कहा है कि शीत युद्ध जो है वो पुरातन शक्ति संतुलन का एक नवीनतम रूप है, यानी नया रूप है, ये ध्यान रखना है। इसमें दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष ना होकर दो भीमाकार शक्तियों के बीच में आपसी संघर्ष था, अगला है जॉन फास्टर के अनुसार, तो ये अमेरिका के काफ़ी दिनों तक विदेशी सचिव डिपार्टमेंट में रहे थे
और इन्होंने कहा था कि भाई ये अमेरिका के ही पक्षधर थे। इन्होंने कहा था कि शीत युद्ध जो था वो एक नैतिक रूप से धर्म युद्ध था, अच्छाई के बुराई के खिलाफ, नैतिकता का अनैतिकता के खिलाफ, सत्य का गलत के खिलाफ, जिसमें सोवियत संघ हार जाता है क्योंकि वो गलत था। और ये जॉन फास्टर जो है वो अमेरिका के थे, इसीलिए इन्होंने अमेरिका की इतनी ज़्यादा सपोर्ट करी थी। अगली बात करते हैं शीत युद्ध की प्रकृति की। तो शीत युद्ध जो है वो क्या है कि एक उग्र पद्धति थी। उग्र पद्धति का मतलब इसके अंदर दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कूटनीतियों का सहारा ले रही थी और इसमें हथियारों की होड़ चल रही थी। शीत युद्ध के अंदर एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार चल रही थी। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रही थी और दोनों महाशक्तियाँ क्या कर रही थी, अपने प्रभाव क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं और उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो। शीत युद्ध अगर हम देखें तो वो एक टकराव नहीं बल्कि बहिष्कार या फिर एक तरीके से मुठभेड़ रहित लड़ाई थी। यानी शीत युद्ध में जैसे हम किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार करने के अंदर हम उसके अंदर हथियार नहीं उठाते, परंतु फिर भी हम उन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो शीत युद्ध भी बगैर हथियार के एक लड़ाई थी जिसके अंदर दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे का विरोध तो कर रही थी पर असल में एक दूसरे से युद्ध नहीं कर रही थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को याद रखना है। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण, यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सेम क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो शीत युद्ध के उत्पन्न के कई कारण थे। सबसे पहला ऐतिहासिक कारण, जिसे हम देखें तो ऐतिहासिक कारण को हम बोलते हैं जो इसकी बैकग्राउंड में था। यानी 1917 में जब सोवियत संघ अस्तित्व में आया बोल्शेविक क्रांति के बाद में, तो उसी समय के बाद से ही जो अमेरिका और जो ब्रिटेन या फ्रांस के जो देश थे वो सभी के सभी क्या करना चाहते थे, समाजवाद को ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि उनका मानना था कि जो ये समाजवाद है ये पूंजीवाद के प्रचार प्रसार पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। इसीलिए आगे चलकर अमेरिका और सोवियत संघ जो है उनके बीच में इसी बात को लेकर संबंध खराब होने स्टार्ट शुरू से ही हो जाते हैं कि दोनों की विचारधारा अलग थी। और दोनों कई बार हमें दिखते हैं कि जब जर्मनी क्या कर रहा था, रूस पे हमला कर रहा था, तो उस समय अमेरिका इनकी हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि अमेरिका जानता था कि रूस जो है वो जर्मनी इसको हरा देगा तो मेरा एक जो कांटा है या जो मेरी विचारधारा है खाली वही पूरी दुनिया में फैलेगी, ये तो ख़त्म हो जाएगी। यही सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, द्वितीय मोर्चे का प्रसंग। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में हिटलर ने सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा जनहानि पहुँचाई तो उस समय सोवियत संघ के नेता जो स्टालिन थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों से नाजी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सेना मांगी। तो उस समय जो रूजवेल्ट और चर्चिल जो अमेरिका और ब्रिटेन के जो उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, उन्होंने सोवियत संघ की मदद नहीं करी और उस समय यही परिणाम निकला कि भाई सोवियत संघ और जो अमेरिका या ब्रिटेन है उनके आपसी जो रिलेशंस हैं वो एक पार्टी में लड़ तो रहे थे, एक अलायंस में थे, तो एक ही समूह में थे तो मित्र राष्ट्र में, परंतु वो दोनों एक दूसरे से विचारधारात्मक रूप से अलग हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए, युद्ध के उद्देश्यों में अंतर होना। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दोनों में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के उद्देश्य में अंतर था। जो ब्रिटेन और जो साथ ही साथ में फ्रांस था वो चाहते थे, साथ ही रूस चाहते थे कि जो जर्मनी है वो थोड़ा सा विकसित हो युद्ध के बाद में उसे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो जर्मनी है उसकी सुरक्षा के लिए, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट कि अमेरिका एक तरफ और एक तरफ सोवियत संघ। तो सोवियत संघ दो विश्व युद्ध में एक चीज़ देख चुका था कि जर्मनी बार बार ही पोलैंड के रास्ते मुझ पर हमला करता है तो हमें जर्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में दोबारा जर्मनी ताकतवर होगा तो वो हम पे फिर हमला करेगा। इसीलिए सोवियत संघ चाहता था कि भैया जो जर्मनी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वहीं पश्चिमी देश चाहते थे नहीं, जर्मनी को हमें क्या करना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि ये बीच में सेंटर में सोवियत संघ अगर हम देखें उससे भी मुकाबला कल को करना हो तो उससे हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बीच में सेंटर यूरोप के होने के कारण क्या है कि हर तरफ इस जगह से हम अपनी कमांड को रख सकते हैं। इसीलिए इन लोगों का ऐसा मानना था, दोनों का उद्देश्य अलग अलग था जर्मनी को लेकर। अगला पॉइंट है याल्टा सम्मेलन की अवहेलना। तो याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ, इसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और देखें स्टालिन कुछ ऐसे नेता शामिल थे। ये पोलैंड के जो शासन था पोलैंड के अंदर लुम्बिनिन शासन उसके खिलाफ था और इंग्लैंड में जो है उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने ये निर्णय लिया था कि भैया जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो है स्थिति हम सामान्य करते जाएंगे। लेकिन वैसे वैसे सोवियत संघ ने अपनी बातों से धीरे धीरे वो मुकरना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा सोवियत संघ का बाल्कन क्षेत्रों में अतिक्रमण, यानी बाल्कन क्षेत्र आप सभी को पता है जिसमें एस्टोनिया वगैरह नीचे की तरफ आते हैं, जर्मनी के नीचे की तरफ ही या राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 1944 में क्या है कि जर्मनी
जर्मनी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, बालकन प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। तो जो चर्चिल था वो सोवियत संघ और चर्चिल के बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई दोनों क्या करेंगे, अपनी आर्मी जो है वहाँ से रोमानिया बल्गारिया वगैरह उसके जो निकटवर्ती प्रदेश है वहाँ से हम हटा लेंगे, और इसके अलावा हंगरी यूगोस्लोवाकिया वहाँ पर अपना बराबर का प्रदेश जो है या फिर जो पावर है वो माना जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब बालकन समझौता हो गया तो उसमें सोवियत संघ ने क्या किया, बालकन क्षेत्र की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है उसको भी क्या कर दी, समाप्त धीरे धीरे कर दी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ईरान से सोवियत संघ की सेना का ना हटाने जाना, कि ये भी समझौता हुआ था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ अपनी सेना क्या करेगा, हटा लेगा। ब्रिटेन से ये समझौता हुआ था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद भी अमेरिका जो है, अमेरिका ने जब कहा कि भैया अपनी सेना हटाओ, तो उन्होंने अपनी सेना हटाने से सोवियत संघ ने इनकार कर दिया, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो गए। यूनान के अंदर भी ऐसे ही होता है, सोवियत संघ का हस्तक्षेप जब यूनान के अंदर होता है तो 1944 में यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार पहले शुरू में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया कि ब्रिटेन ने ये घोषणा करी कि भाई हम यहाँ से अपने सैनिक अड्डे खत्म करेंगे, और साथ ही साथ जो है सोवियत संघ भी अपनी सेना के यहाँ से हटा ले। परंतु यहाँ से सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाई, और सोवियत संघ ने अपनी सेना ना हटाने की वजह से इनके बीच में जो है तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद में जो है अमेरिका खुद भी वो अपनी यहाँ पर सेना लेकर आता है, मैंने आपको जो नई वाली वीडियोज है आप सभी के लिए उसके अंदर ये एक्सप्लेन कर रखा है। अगला है अणु बम का आविष्कार। तो 1942 में सोवियत संघ अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन 1949 में, कब 1949 में आगे चलकर सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु बम बना लिया, और परमाणु बम जब बनाया तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इस बात की प्रतिस्पर्धा मच गई, इस बात की होड़ मच गई कि भैया कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर परमाणु हथियार बनाता है, किसके पास सबसे ज़्यादा आर्म्स है। तो यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अलावा सोवियत संघ ने अमेरिका की दुष्प्रचार करी, और अमेरिका ने सोवियत संघ के दुष्प्रचार करे, एक दूसरे के न्यूज़ मैगजीन्स या फिर जो खबर आउटलेट्स आती थी वो एक दूसरे के विपरीत आती थी, इस वजह से इनके रिलेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए, और न्यूज़ चैनल्स वालों ने तो सिर्फ अपने TRP के लिए मिर्च मसाला लगाकर इन्होंने खबरों को प्रदर्शित करने की कोशिश किया, और इस वजह से इनकी जो संबंध आपसी ख़राब हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो में आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे या आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने प्रॉब्लम को हम तक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।